टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स। मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, रैंडम वॉक की प्रॉब्लम करने वाले हैं। पार्ट वन यानी कि एक प्रॉब्लम हम लोगों ने करी थी पार्ट वन में, आई होप कि वो वीडियो आप लोगों ने देख ली है। और आज हम लोग पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। ये CSIR नेट और जस्ट के एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है। पहले वाला जब मैंने पार्ट डाला था उसके बाद भी बच्चों के कमेंट आए, मैसेज आए कि सर इसके आगे कभी और कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, जिससे जो है हमारे लिए इस टॉपिक को समझना आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन पे जो है लिखूंगा क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो वी आर बैक। मैंने जो है क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसके बाद आप लोग ये देख रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसको आप लोग रीड कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। हर बार कोई रैंडम वॉक करता है वन डायमेंशन में, यानी कि 1D में हमारा मोशन हो रहा है। आइदर रिमेन्स एट सम पॉइंट विद प्रोबेबिलिटी, या तो अपनी जगह पर रहता है और अपनी जगह पर रहने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, यानी कि यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन का जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि कभी भी आप लोगों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हुआ करे तो आप क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करिए, थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके करिए। थोड़ा सा दो लाइन समझ लिया उसको डेमोंस्ट्रेट यहां पर किसी तरीके से लिख लीजिए, या कोई वैल्यूज दी है उनको लिख लीजिए। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और या फिर वो मूव कर सकता है डेल्टा। ये जो डेल्टा है ये थोड़ा सा जब नोटेशन चेंज हो जाती है तो हमको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगने लगता है। इसको आप एक्स ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, ये कोई डिस्टेंस है। उन्होंने डेल्टा दे दिया तो देखने में थोड़ा सा डर लग रहा है। एक्स ए भी कोई डिस्टेंस है, डेल्टा डिस्टेंस चला। ठीक है, टू द राइट और लेफ्ट, या तो राइट ही जाएगा या लेफ्ट जाएगा। विथ प्रोबेबिलिटी 3/8, 3/8 प्रोबेबिलिटी से या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। सपोज करो यहां पर रहने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, इधर से डेल्टा डिस्टेंस चलाइए तो यहां रहने की प्रोबेबिलिटी हमारी 3/8, इधर से हमारा अगर डेल्टा डिस्टेंस चलेगा तो यहां पे रहने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। या तो वो ए पे रहेगा, या तो वो बी पे रहेगा, या तो वो सी पे रहेगा। बी पे रहने की प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/4 और ए और सी पे रहने की प्रोबेबिलिटी हमारी 3/8। देखिए इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होता है। इसको आप थोड़ा रैंडम वॉक की कभी भी प्रॉब्लम आएगी इसको लॉजिकली करना पड़ेगा। तो जो लोग इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं वो आसानी से इसको कर लेते हैं। जैसे कि आपने पार्ट वन में देखा था उसको हम लोगों ने किस लॉजिक से करा था, जब हमारा डिनोमिनेटर आ जाता है उसके टर्म्स में हम लोग टाइम्स स्टेप्स ले लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग का पार्ट वन में था तो यहां पर क्या करना है। अच्छा, अब ये तो यहां तक तो हमें सारी इंफॉर्मेशन ये समझ में आ गई। अब दिक्कत की बात ये कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। एन टाइम्स स्टेप्स चलने के बाद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ये पहली बार आप वर्ड नहीं सुन रहे हो रूट मीन स्क्वायर। आपने VRMS में भी इसका नाम सुना है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में मैं बता दूं। स्क्वायर लो, फिर उसके बाद उसका मीन लो, फिर उसके बाद उसका रूट ले लो, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। जैसे हमारी वेलोसिटी थी V1 square, V2 square एंड सो ऑन। तो ये हम लोगों ने स्क्वायर करा, उन सबको एड करा, एन से डिवाइड करा तो मीन ले लिया और अंडर रूट ले लिया, दैट इज कॉल्ड VRMS। तो इसकी जो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होगी यहां से उसको हम लोगों को बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, और उस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू बतानी है वो हमको रूट मीन स्क्वायर्ड जो है वैल्यू बतानी है। अरे यहां पर इसको समझने के लिए मैं कुछ चीजें बता एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें हम लोगों का एक लॉजिक लगेगा क्वांटम का, उसका मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूं ताकि ये जो रैंडम वॉक की प्रॉब्लम है इनको समझना आसान हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्वांटम की जो है आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई बताओ, तो आप फौरन ऐसे निकालते हो साई और ये साई। ठीक है, और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स है तो स्टार लगा दिया, बात वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे आप लोग निकाल देते हो एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है इसको कभी कभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, डन। आप लोग अक्सर एक्स भी निकाल देते हो, पी भी निकालते हो, बहुत सारी वैल्यूज निकालते हो। मैं अगर कहूं एक्स स्क्वायर निकालो, तो अगर मैं ये कहूं एक्स स्क्वायर निकालो तो क्या ये हमारा साई स्टार एक्स स्क्वायर साई अपॉन साई स्टार साई
कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में अगर किसी डिस्प्लेसमेंट का यानी डिस्टेंस का स्क्वायर निकाला जाए तो क्या ये मीन स्क्वायर्ड वैल्यू नहीं दे देगा हमको ये चीज। अब आप याद करिए, ये तो हमारा होता है डिस्क्रीट के लिए, हमारा इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसको निकालने का एक और तरीका अगर आपको याद होगा, हम लोग जो है इसको कैसे निकालते थे, अगर मान लीजिए हमारा साई हमारा जो कोई फंक्शन है ए फाइव वन प्लस बी फाइव टू हमारा कोई फंक्शन है, तो इससे हम क्या करते थे, हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे, पी वन निकालते थे फाइव वन वाली स्टेट की और पी टू निकालते थे फाइव टू वाली स्टेट की। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को याद आ गई है। तो एक और मेथड होता था हमारा ई निकालने का, क्या मेथड होता था हमारा ई निकालने का, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई बराबर पी वन ई वन और प्लस पी टू ई टू। और ये ई वन ई टू हमारे क्या होते थे, आइगन वैल्यूज होती थी, ये हमारी क्या वैल्यूज होती थी, आइगन वैल्यूज होती थी। ई वन हमारी क्या आइगन वैल्यू होती थी, फाइव वन, ई टू हमारी क्या आइगन वैल्यू होती थी, फाइव टू। अगर किसी को क्वांटम मैकेनिक्स का इतना सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी वेव फंक्शन के नाम से एक लेक्चर बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप चैनल पर भी ढूंढ सकते हो आराम से मिल जाएगा, तो वो देख लो। वेव फंक्शन का जो कुछ भी है सब कुछ एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा फटाफट से, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का आपको ये बात समझ में आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला तरीका पकड़ेंगे, ठीक है, डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी पता हो और हम लोग को अगर निकालें तो पी ए हमारा कितना है प्रोबेबिलिटी 3/8, पी बी हमारा कितना है 1/4, पी सी हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। और ये जो डिस्टेंस हमारी चल रहा है, क्योंकि हमको स्क्वायर निकालना है, मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अभी रूट भूल जाओ, रूट तो हम लोग बाद में लगा देंगे, मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका तो हो जाएगा डेल्टा, भाई पीछे की तरफ है तो जाहिर सी बात है हमारा 1d डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो डेल्टा स्क्वायर ही आ जाएगा। इसका हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका जो हमारा रूट स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा डेल्टा स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसकी एवरेज वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी, बताइए आप लोग, ठीक है। एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो ये हमारी निकल कर आ जाएगी पी पी ए और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस पी बी इंटू एक्स बी स्क्वायर प्लस पी सी इंटू एक्स सी स्क्वायर। तो पी ए हमारा कितना है 3/8 और ये हमारा कितना है डेल्टा स्क्वायर और ये तो हमारा 1/4 है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है और ये हमारा कितना है 3/8 है, ये हमारा कितना है डेल स्क्वायर। तो ये 3/8 3/8 को 8 को हम लोग एड करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 3/4 डेल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग 3/8 को एड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 3/4 डेल स्क्वायर हमारा निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। अब इसके बाद हमारा क्या है, अगर हम लोग इसमें जो है सपोज करिए हम लोगों को एन स्टेप्स के लिए लेना है, ये हम लोगों ने इसका ये वैल्यू तो निकाल ली है, ठीक है। मीन लेने के लिए अगर हम लोगों ने ये मीन वैल्यू निकाली है तो इसका रूट मीन स्क्वायर हम लोग वेलोसिटी करेंगे, तो एक काम करा जाए 3/4 डेल्टा स्क्वायर का हम लोग रूट ले लेंगे तो इससे हमारा निकल कर आ जाएगा डेल्टा बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3/4, क्योंकि एन स्टेप्स के लिए लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सी वाला आ गया है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है कि कैसे हुआ है, ठीक है, डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। आई होप कि यहां पे सारी चीजें क्लियर है। अब ये जो एन वाला फैक्टर है ये थोड़ा सा समझना इसको प्रॉब्लम होता है कि अंदर एन हमारा ये कैसे आया। देखिए अगर क्या होता है रैंडम वॉक की प्रॉब्लम, कल जब आप लोगों ने वाली जब हम लोगों ने पार्ट वन में प्रॉब्लम करी थी हम लोग 10 स्टेप चले थे तो हमारा आया था n/10 i-g उसका आंसर आया था पार्ट वन का। लेकिन सपोज करिए कोई कहे हम 8 डिस्टेंस चलेंगे तो क्या होगा, तो ये सारी चीज हमारी बदल जाती है, इसका वेक्टर बदल जाएगा, इसकी बहुत सारी चीजें हमारी बदल जाती हैं, चेंज हो जाएंगी। तो और 8 लेना है कोई इसको 18 ले सकता है तो उसका डिवीजन करना पड़ेगा आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि 18 को कैसे डिवाइड करें। तो ये बेसिकली जो एन का फंडा है ये ऐसे समझ लो कि हमारे पास जैसे हम लोग जब बचपने में फ्रैक्शन आप पढ़ते होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता था, भाई टीचर मास्टर साहब क्या सिखाते थे कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक रोटी को 4 लोगों में बांटना है तो हाफ करो फिर ऐसे ऐसे हाफ करो फिर सबको एक एक टुकड़ा दे दो। तो वही चीज है कि अगर मान लो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी में आपने देखा होगा शायद 3/10 और 2/10 और 2/10 और 3/10 ये हमारी एक्स वाई जेड प्लस माइनस की 4 वेलोसिटी आती है। अगर 10 के रेशियो में करेंगे तो निकलना आता नहीं, मैं कहूं 18 है एन बराबर 18 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना, 18 के लिए भी आप निकाल सकते हो, हर उसके लिए कितने कितने स्टेप उसको चलने पड़ेंगे तो आप उस हिसाब से स्टेप्स को डिवाइड करोगे
तो पूरा निकाल के आओगे तो इससे जनरल फॉर्म से हमारा निकल कर आ जाता है। तो वही यहां पर जो हमारा ये है कि अगर एन स्टेप के लिए आप देखोगे इसका डिस्प्लेसमेंट दो स्टेप के लिए अगर हम लोग लें तो प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो हमको 8 केसेस बनाने पड़ेंगे, 8 केसेस के हिसाब से इसको कैसे करना पड़ेगा। सपोज करिए हम लोग 8 केसेस लेंगे और दो स्टेप चलना है, ठीक है, n बराबर 2 और 8 केसेस हमारे क्योंकि अकाउंट में 8 है तो बनाने पड़ेंगे हम लोगों को। फिर हम लोग कुछ कभी यहीं पर रखेंगे चांसेस 1/4 और फिर तीन बार चांसेस ऐसा करेंगे हम लोग इधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे। अब इधर इधर में जाने के कितने चांसेस हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे इसको 2/8 लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे जितने भी हमारे चांसेस होंगे दो स्टेप चलने के तो उनमें से दो स्टेप में हम इसको पहली बार में यहीं पर रोक लेंगे दो बार, फिर दूसरी बार हम चलाएंगे एक बार इधर चलाएंगे एक बार इधर चलाएंगे तो हमारे लिए डेल्टा आ जाएगा और एक उस तरफ से डेल्टा आ जाएगा। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर जो है फिर वापस ले आएंगे किसी चीज को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 तो 3/8 और प्रोबेबिलिटी बचेगी। फिर उसको इधर दूसरे स्टेप में हम लोग इधर ला सकते हैं इधर ला सकते हैं और इधर चल सकते हैं 3/8 चांसेस हैं और ये यहीं पर रहे इस बात की प्रोबेबिलिटी पहले स्टेप के बाद जब यहीं पर रहेगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी और उधर जब जाएगा तो अब वापस जाने की उधर प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी। तो जब इस पूरी उसको सॉल्व करोगे तो बड़ी दिमाग का जो है एकदम वैसे हो जाएगा कि क्या करें कैसे करें। तो ये एन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए यही जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो ऑप्शंस हमेशा इस तरह के दिए जाते हैं कि एन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पार्ट वन वाली प्रॉब्लम भी याद हो तो आपने ये देखा होगा कि एन वाली प्रॉब्लम हमारी नहीं हुई थी, जो वेक्टर है वो सिर्फ एक ही था, दूसरा हमारा नहीं था ऐसा कोई ऑप्शन। इसमें भी अगर हमारा देखा जाएगा तो कोई दूसरा ऑप्शन √3/4 वाला नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक बार? तो ये हमारा जो है मैंने एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। आई होप कि रैंडम वॉक की कोई प्रॉब्लम ये आपको समझ में आई है। मैं इन फ्यूचर और भी रैंडम वॉक की प्रॉब्लम्स कराऊंगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ताकि मैं और भी मुझको भी एक एनर्जी मिले मोटिवेशन मिले मैं भी आपके लिए थोड़ा सा वर्क करूं और मैं जल्दी आप लोगों के लिए और भी पार्ट्स लाऊंगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करी है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी ला रहा हूं और काफी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग के सपोर्ट से ही सारी चीजें होती हैं। लाइक जरूर कर दें वीडियो को, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप बताएं। बाकी मुझसे डिस्कस करना है तो आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरी फ्री क्लासेस कर सकते हैं अनअकैडमी में सर। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग विदाई लेते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।